मित्रों नमस्कार। मित्रों कांग्रेस पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी के समर्थक राहुल गांधी के जो चाहने वाले लोग हैं, वो लोग लगातार अब ये आरोप लगा रहे हैं कि संसद के अंदर राहुल गांधी को गाली दी गई। गाली न सिर्फ राहुल गांधी को दी गई बल्कि राहुल गांधी के पूरे खानदान को गाली दी गई। राहुल गांधी के माँ बाप, नाना दादा, सबको गाली दी गई। और ये सारा जो बवाल है इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अनुराग ठाकुर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछ लिया राहुल गांधी से और उसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया। सिर्फ इतना पूछा कि जब जाति जनगणना होगी तो आखिर ये जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, ये अपनी जाति क्या बताएंगे। और पूरे सदन में सबको पता है, सबको स्पष्ट है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी जात का कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति हिंदू है ही नहीं। और यही वजह है कि राहुल गांधी खुद ही इस मामले में खड़े हो गए और खुद ही आकर के इस पर अनाप शनाप बोलने लगे, हंगामा करने लगे। तो उस वक्त फिर अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि हमने तो आपसे पूछा भी नहीं, हमने आपका नाम भी नहीं लिया, लेकिन आप खुद खड़े हो गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तिलमिलाहट कांग्रेस पार्टी के अंदर, सदन के अंदर ही है, जो पूरा कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम है वो पूरा इकोसिस्टम भी तड़प रहा है। रवीश कुमार जो हर जगह पे सबसे जात पूछते हैं, कौन जात हो भैया, आज वो रवीश कुमार भी जो है कह रहे हैं कि आखिर अनुराग ठाकुर ने जात कैसे पूछ ली। जो पीडीए की राजनीति कर रहे थे अखिलेश यादव, जो सिर्फ जात जात ही करते हैं और यादव जाति का वोट लेके ही नेता हैं, वो अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि भैया आखिर तुमने जात कैसे पूछ ली किसी से, कोई जात कैसे पूछ सकता है किसी से। तो जाति जनगणना के मामले पर जो पूरा ये एक बड़ा बवाल मच गया है, इस पूरे बड़े बवाल की शुरुआत जिस भाषण से हुई है, जिस भाषण से तिलमिला गए हैं सारे के सारे लोग, वह अनुराग ठाकुर का लगभग बड़ा एक भाषण है। और उस भाषण को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाकायदा ट्वीट किया है, कहा है कि ये बहुत शानदार भाषण, सबको सुनना चाहिए। तो मैं अभी इस भाषण को सुनने जा रहा हूं मित्रों, और आप भी मेरे साथ जरूर इस पूरे भाषण को सुनिए। ठीक है, निराधार है सर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं आपकी बात को ले रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही है, आप जो विरोध कर रहे हैं, मैं उसको दिखवा लूँगा। आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। अनुराग जी, माननीय सभापति जी, कृपया आप लोग बैठ जाए। आप बैठ जाए। माननीय सभापति जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, इसी सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने RG1 ने OBC को आरक्षण देने का विरोध किया था। RG1 ने OBC को आरक्षण देने का विरोध किया था। एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलना चाहते हैं, आप लोग बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी की स्पीच, माननीय अनुराग जी की स्पीच खत्म हो जाए। बैठे आप लोग बैठ जाएं। मैं आप सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया मुझे, बाद में आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा आपको, अवसर दूंगा, बैठ जाए, आप बैठ जाए, अवसर दूंगा। उनकी स्पीच खत्म हो जाए, प्लीज आप बैठ जाए, आप बैठ जाओ, आपको अलाउड करो। सर दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मैं आपको बोलने दीजिए, सर ऐसा नहीं, सर बोलने दीजिए, सर मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद।
अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। अब चुप रहे श्री अनुराग ठाकुर जी, हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, नहीं आप बैठ चुके। श्री अनुराग ठाकुर जी सर, मुझे लगता था कि इनको कहीं कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूँगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर, सर 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 माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये नहीं सुन रहे हैं, मैंने कहा था जिस माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही हैज मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाए, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी सर, सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के मिस्टर राहुल गांधी स्पीकर सर बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर इस दे सर माइक नहीं सर माइक एक माइक यहाँ से नहीं जाती का सर जो भी माइक आ जाएगा स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है, और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली मुझ पर गाली दी है, मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूँ, और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा।
ठीक है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपंज करूँगा। आप भी कर सुना सुन रहा हूँ श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना सभापति महोदय, सभापति महोदय स्वागत है, क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए, वे केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति, तुम आप जाति कैसे पूछोगे, तुम कैसे पूछोगे जाति, नहीं जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते, हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले, कोई कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा, अनुराग ठाकुर जी मैंने उसको स्पंज कर दिया, श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी बात आ गई, माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूँ, ये तो सदन में है, आरजी वन ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूँ, अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही। आप देखिए ये कल से हलवा बांटने की बात कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करते हैं, जैसे जैसे मदारी के कंधे, सर इसको देख लीजिए, माननीय आप असत्य कहें हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं, असत्य कहें, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन रूलिंग मिस्टर वेणुगोपाल जी, आई हैव गिवन रूलिंग, माननीय सभापति, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के पैर नहीं होते, और ये असत्य अक्सर कांग्रेसियों के कंधे पर सवार होकर सैर करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है वैसे राहुल जी के कंधे पर दिल होता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है वैसे राहुल जी के कंधे पर बंडल होता है, जिसे वो रोज यहाँ पर परोसते हैं, ये बजट पर सदन पर, माननीय सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला, राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, टूजी स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया। राहुल जी हलवा मीठा था या फीका, माननीय सभापति जी, कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ इनके लिए ओबीसी है, गौरव सुनिए, गौरव बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप कैंडी एड्रेस दीजिए, माननीय सर इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन, और ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात करती है तो आर्नी को भी पंखे के साथ लटकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मतलब जिस पार्टी ने अपने पार्टी के अध्यक्ष जो एक पिछड़े वंचित समाज से आते थे उनको धोती से खींचकर पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, उसके
अच्छा जाते हैं हमें ज्ञान पांडे। अरे साहब इनको पहले तो एलओपी का मतलब समझना पड़ेगा। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इसका मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी जवाब आपका दे रहा हूँ। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, संविधान सुन लीजिए। माननीय गौरव जी आप या माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि माननीय राहुल जी एलओपी, उन्होंने भी बात कही सरकार पे या सरकार के मंत्रियों के लिए नाम लिया, तो उसका जवाब अगर वो दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड जो होगा इसको मैं स्पंज करता हूँ। मैं अनपार्लियामेंट्री अनुराग ठाकुर जी सर, माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं, तो क्या उनको भी बुरा समझते, क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे, आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं, और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती हैं, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है, और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था, जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी, लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं पर देखा भी नहीं होगा शायद सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कल जो चक्रव्यूह में फंसाने की बात कर रहे थे वो कर्ण को करना कह रहे थे, कृपाचार्य जी को कृपचाय बोल रहे थे, चलिए छोड़िए उसको। अध्यक्ष जी कल तो ऐसा लग रहा था सदन के अंदर महाभारत पर इतना सारा ज्ञान दिया गया कि एक समय ऐसा लगा बीआर चोपड़ा के महाभारत के धारावाहिक का संगीत गूंजने लगा हो, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार महाभारत पढ़ने के लिए फिर प्रेरित किया, मगर इस बार महाभारत पर मैंने एक नई पुस्तक पढ़ी जो उनकी पार्टी के विद्वान सांसद जो इस सदन के सदस्य भी हैं उन्होंने लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल। राहुल जी को अगर महाभारत और चक्रव्यूह के विषय में विस्तृत जानकारी लेनी है
तो अपने उस सांसद से वो संपर्क कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा, शशि थरूर जी ने शायद वही राहुल गांधी जी को बता दें या बताएंगे, नहीं तो मैं बता देता हूं कि आपने महाभारत और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को मिलाकर जो उपन्यास लिखा है उसके पात्र कौन कौन है। इस उपन्यास में धृतराष्ट्र के रूप में किस नेता को दिखाया गया है, कौरव किस पार्टी को कहा गया है, इस उपन्यास में प्रिय दुर्योधनी कौन है। जब राहुल जी को इसका पता चलेगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शशि थरूर जी पर कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन क्या है साहब, ये लोग तो संविधान दिखाते थे, पढ़ते नहीं थे। मैंने उस दिन पूछ लिया कितने पन्ने होते तो वो भी नहीं बता पाए। मैंने उसके बाद पूछा कि ये जो आप संविधान की कॉपी लेकर चलते हो इसका प्रीफेस पढ़ा है, इसका फॉरवर्ड पढ़ा है, इसकी प्रस्तावना किसने की है। के वेणुगोपाल जो सॉलिसिटर जनरल इनकी सरकार के समय भी रहे होंगे, सीनियर एडवोकेट हैं, या गोपाल शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने उसकी प्रस्तावना की थी। और प्रस्तावना में लिखा था कि कैसा काला अध्याय, वो इमरजेंसी का समय था। और ये संविधान जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो आम जनमानस को अपने अधिकारों का पता भी नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, लेकिन केवल कॉपी दिखा रहे थे इतने दिनों से साहब। ऐसे ही महाभारत पर भी ऐसी हालत लग रही है। और मुझे लगता है, और नहीं तो गूगल दादा तो थे, इनसे पूछ लेते आप क्या करते हो साहब, साथ में को बताया करो। सर इस उपन्यास के माननीय सभापति जी, इस उपन्यास के मुताबिक जिस पार्टी के सर्वे सर्वा आप हैं, उस उपन्यास के वही कौरव पार्टी है। मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर देता हूँ। मैं कोट कर रहा हूँ सर, पेज नंबर 245 से, द इंडिया ऑफ विच धृतराष्ट्र अज्यूम द लीडरशिप ऑन 15th August 1947 हैड जस्ट बीन थ्रू अ कथाटिक प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, अनदर स्टेज इन दिस एंडलेस साइकिल। अब 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी तो नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को उस समय वो सत्ता ली थी वो धृतराष्ट्र थे। तो धृतराष्ट्र किसको कहा गया, धृतराष्ट्र को किसको कहा गया? अब आपने मुझे बांध रखा है, कल स्पीकर ने कहा है, स्पीकर मोदी ने कहा कि उस समय के लोगों का नाम नहीं लेना। तो प्रथम प्रधानमंत्री जी को धृतराष्ट्र मैंने नहीं कहा, इनके अपने ही सांसद ने अपने ग्रेट इंडियन नॉवल में कहा है। शशि थरूर जी कहा है, कहीं छिप तो नहीं गए? आज शो कॉज हो सकता है। फिर देखिए प्रिय दुर्योधनी और धृतराष्ट्र के विषय में क्या लिखा है। आई कोट फ्रॉम पेज 293, इन दिल्ली ब्लाइंड धृतराष्ट्र रूल्ड विद प्रिय दुर्योधनी बाय हिज साइड एंड ही प्लेज द नेशन नॉट सो मच टू द गैस एंड हॉट वाटर ऑफ हिज फैबियन प्रिसेप्टर्स बट टू स्मोक एंड स्टीम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर एंसेस्टर्स हैड डिनाइड दिस कंट्री। सर ये सबको पता है कि देश के एकमात्र फैबियन समाजवादी कौन थे, और ये फैबियन समाजवादी कौन थे उसके बारे में किसी और ने नहीं, आपके ही सांसद ने लिखा है। अरे वाह, इसमें तो आगे इमरजेंसी की चर्चा भी है, और जिसे इंदिरा गांधी जी ने थोपा था और इमरजेंसी उपयोग किया है। ये देश इनकी यातनाओं का सर भुक्त भोगी रहा इमरजेंसी के समय, और वो काला खंड, वो काला अध्याय, वो देश कभी भूल नहीं पाएगा, जिसने देश के लोगों को कठिन शब्द इमरजेंसी के बारे में भी बताया। सर तो हम चर्चा कर रहे थे द ग्रेट इंडियन नॉवल के अध्याय 7th बुक की, जिसमें प्रिय दुर्योधनी और उनके प्रिय पात्र शकुनी शंकर डे
देश में आपातकाल लगाने की योजना बना रहे थे। सर मैं पढ़ता हूं कि शकुनी ने क्या कहा, आई कोट, व्हाट यू कुड डू नाउ इज टू डिक्लेयर एन इंटरनल सीज, अ ग्रेव थ्रेट टू द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन फ्रॉम इंटरनल डिस्ट्रप्शन। जिस बुक को आप कोट कर रहे हैं उस बुक को आप सबमिट कर दीजिए। मैं कर दूंगा साहब, एक कॉपी आपको भी भिजवा दूंगा साहब, एक टेबल पे भी रख दूंगा। So what you could do now is to declare an internal cease, a grave threat to the stability and security of the nation from internal disruption. No one has ever defined the permissible procedures under an internal cease, which leaves it to more or less up to us to define them, Shakuni added. And the next, sir, from page 366, I quote, not to mention censorship of the press. Press hai? Not to mention censorship of the press, which is nowhere explicitly ruled out in the Constitution. Suspension of certain fundamental rights, free speech, assembly, and that sort of things, and measures to put up the judiciary in their place. Said Shakuni. Sir, ये किसी और ने नहीं, और मैं कहना चाहता हूँ सर, माननीय अनुराग जी, एक किताब गौरव जी को भी भिजवा दीजिएगा। मैं कॉपी गौरव जी को भिजवा दूंगा सर। सर इसमें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे उस समय की, सर उस समय की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, एक नेता की स्वर्गीय दादी जी भी हैं, और मैं उनके नाम के आगे, उनके नाम के आगे प्रियदर्शनी भी लिखा जाता था, और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन माननीय सभापति जी मैं कहना चाहता हूं, दुशासन और दुर्योधन दोनों बहुत ही दुष्ट और बदमाश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कभी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। दुशासन और दुर्योधन दुष्ट भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, बदमाश भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। सर पूरे उपन्यास में 74 बार कौरव और कौरव पार्टी की चर्चा हुई, हर एक में कांग्रेस का चरित्र झलकता है। राहुल जी सदन में हजारों साल पूर्व महाभारत की कहानी सुना रहे थे, मगर उनकी अपनी पार्टी के पढ़े लिखे एक विद्वान, पूर्व मंत्री और सांसद आज के महाभारत की कहानी लिखते हुए बताते हैं कि कौन कौरव था, कौन शकुनी था, कौन धृतराष्ट्र था, कौन दुशासन था, कौन दुर्योधन था, कौन करण था। जरूर पढ़िएगा, सबके किरदार उसी में मिलने वाले हैं। और शायद जिस समय शशि थरूर जी लिख रहे थे उस समय आपका टैलेंट इनको पता नहीं था, नहीं तो 100 पन्ने तो आप पे ही लिख देते साहब। आप चाहते कार्रवाई हो जाए। माननीय सभापति जी कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर, कल जब राहुल गांधी जी चक्रव्यूह पर बहुत ज्ञान दे रहे थे, तो पीछे दो लोग, कुमारी शैलजा जी और दीपेंद्र जी, बैठकर मुस्कुरा रहे थे। अब शायद राहुल जी वो पीछे हंस तो रहे थे, लेकिन आप एक बार जरूर कर लीजिए, चक्रव्यूह के परिपेक्ष में इन दोनों से बेहतर कौन बता सकता है हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं। जान लीजिए कि कौन शकुनी है और कौन अभिमन्यु है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपको एक और सुझाव है, और मैं इतना जरूर कहूंगा, आपने तो कई सारे चक्रव्यूह बनाने का काम किया सर, और जब उस समय किशोर अभिमन्यु पर कौरवों ने युद्ध नीति के विपरीत जाकर प्रहार किया था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। इतने में पुत्र दुशासन ने पीछे सा था वार किया, निष्प्राण हुए एक गदा से सिर पर था प्रहार किया, मां धरती की गोद में वे आंख मूंद कर सो गया, अंबर का तेजस्वी तारा धूम केतु सा खो गया, लेकिन कोई तारे का तेज फीका नहीं कर सकता, वीर गति पाकर अमर हुआ हो कभी नहीं मर सकता है। पुत्र सुभद्रा कुरुक्षेत्र में जिसकी अमर कहानी थी, नौ माह में सीखी विद्या जब 16 साल जवानी थी,
अब उस अभिमन्यु को जिसने सारे चक्रों को तोड़ने का काम किया। मैं इतना ही कहूंगा, चक्रव्यूह का प्रसंग छेड़कर आपने अच्छा किया। इस देश ने बहुत सारे चक्रव्यूह देखे, कांग्रेस का चक्रव्यूह। सर इसके चार किरदार, सात किरदार मैं बताता हूं सर। पहला कांग्रेस, सर नाम लेने के लिए मना किया, मैं दूसरी तरह से बोलता हूं। पहला कांग्रेस, दूसरे पहले प्रधानमंत्री एनजी, फिर तीसरा किरदार आईजी पूर्व प्रधानमंत्री, चौथा RG1 उस समय के प्रधानमंत्री, पांचवा SG, छठा RG2 और सातवा आप सब जानते ही हैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। सर पहले चक्रव्यूह ने देश को विभाजन कराया, पहले चक्रव्यूह ने देश का विभाजन करवाया, और दूसरे जो NG उन्होंने देश को कश्मीर की समस्या दी और चीनियों को भारत की भूमि सौगात में दी, चीनियों को भारत भूमि सौगात में दी। सर तीसरे चक्रव्यूह IG ने, पूर्व प्रधानमंत्री IG ने देश को आपातकाल दी, इमरजेंसी दी और पंजाब में अशांति दी। चौथे जो आरजी वन ने बोफोर दिया और सिखों का निस्संहार किया। पांचवे जो SC हैं उन्होंने सनातन धर्म परंपरा के प्रति नफरत का नैरेटिव बनाया, 12 लाख के करोड़ के घोटालों को संरक्षण प्रदान किया, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को भंवर जाल में फंसाया। और छठे ठहरे आप, जिन्होंने पिछले 15 सालों में देश की राजनीति, संसदीय परंपरा और संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया जितने की ये बाकी 6 मिलकर चक्रव्यूह एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाए। और रही सातवीं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा सभापति जी, सातों चक्रव्यूह ने मिलकर देश को गरीबी, भूखमरी, आतंकवाद, कट्टरवाद जैसे अनगिनत दुष्चक्रों में फंसा दिया था। देश को हमने इन आपके दुष्चक्रों से बचाया है, आजाद कराया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास रथ को आगे बढ़ाया। आज दुनिया में भारत को पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। आप जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश पिछले 22 सालों से कर रहे हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, आपके योद्धा और आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उनको घेर पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसे हैं। आज यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं, भले ही आपके पास करण जैसे धुरंधर हो, शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार हो, धर्म हमारे साथ है। भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण हमारे साथ है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में दिखाया। माननीय सभापति जी, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ तो जनता रूपी रघुनाथ है और आगे भी रहने वाला है।